Out of 5, full on 5. Has the audience full on 5? You must watch. Long weekend है, आप जाइएगा, देखिएगा movie. 5 देंगे. मुझे बहुत अच्छी लगी, मजा आया. 15 अगस्त का दिन है. Happy Independence to all my brothers and sisters. और मुझे पिक्चर अच्छी लगी, बहुत बढ़िया. अक्षय कुमार का रोल है, वाणी कपूर का रोल अच्छा है, फरदीन खान ने नया रूप दिखाया है, अच्छा है सब. तापसी पन्नू नो डाउट फुल एक्टिंग अच्छी है उसकी. अक्षय कुमार कॉमेडी में हेरा फेरी 1 हेरा फेरी 2 में आया था, वो लग रहा है फिर कमिंग बैक इसमें हो रहा है कॉमेडी में. इस पर एक जगह पर अक्षय कुमार अपनी बेटी से डिस्कस करता है, वो 1.5 मिनट का क्लिप है, लेकिन वो बहुत दिल को छूता है कि एक बाप अपनी बेटी को किस तरह समझाता है. बहुत बढ़िया लगा. ऑडियंस देखिए, ये पिक्चर देखनी चाहिए. इसमें रिश्ते की अहमियत को दिखाया है कि रिश्ता कैसे टिकता है, तो देखनी चाहिए, समझना चाहिए. मैं 3.5 स्टार दूंगा. मैं अक्षय कुमार के मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उसके फैंस हैं, तो जस्ट लाइक बिजी वो नहीं आ सके, बेवकूफ़ है, गधे नहीं आ सके, निकम्मे ना लाइक को आके देख लेते थे. कितनी अच्छी मूवी है, फुल ऑन हेरा फेरी का लाइक डबल एक्स फैक्टर्स. आज के जो जेड जनरेशन वाले जो बोलते हैं जेड जनरेशन, हम तो 90s के हैं, तो लाइक अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किस तरह से फ़ोन छुपा दे, किस तरह से अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ से फ़ोन छुपा दे, कैसे सीक्रेट्स है, उसका ओपनिंग किया गया है मूवी में काफ़ी अच्छी तरीके से. सॉन्ग इज़ फुल ऑन माइंड ब्लोइंग, फुल ऑन ये है. कैमियो भी है इनका फरदीन खान का, मैं स्पॉइलर नहीं बनूंगा, आप आओ और देखो किस तरह से फरदीन खान ने किस तरीके से, मुझे वो वाली फीलिंग्स आ गई जो हम लोग देख रहे थे, जिसमें सलमान खान है, फरदीन खान है, और फिर उसमें विभाषा बासु जो छुप छुप के जो लग रहा ना, वो वाली फीलिंग्स आ रही थी. नाम याद नहीं पहचाना भाई. मल्टी स्टार्स आने के बाद तो ये बोलते ना, एक कॉमेडी पैकेज काफ़ी हो जाता. तापसी हो गई इसमें, फिर ये भी हो गया, उन सबके जो रोल अच्छी तरीके से कस्टमाइज करके डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छी तरह से मिक्सर किया, कॉम्बिनेशन किस तरीके से वेरीफाई किया है. अकी भाई, ओनली अकी, दिस मूवी इज़ ओनली फॉर अकी. अकी इज़ जो बोलते ना अकी, 4-5 फ्लॉप भाई, उनको पिक्चर देखने नहीं आता, सफारी पिक्चर भाई. कॉपी एंड पेस्ट भाई, कॉपी एंड पेस्ट होने के बाद भी चांदनी पिक्चर चले भाई, पहले के क्या कॉपी एंड पेस्ट पिक्चर चले, लेकिन अब क्या किनको क्या चाहिए उनको ही पता, हमें तो पसंद आई है भाई. मैं फुल ऑन फैमिली, मेरे साथ एक पूरी फैमिली आई थी, छोटा बच्चा आया था, मम्मी आई थी, डैडी आए थे, मैं अंकल आई थी, आप लोग क्या फोन अदला बदली कुछ सीक्रेट बोला भाई. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, मम्मी डैडी जो भी है, आप फोन में कुछ छुपा रहे. एक अक्षय कुमार की वाइफ है ट्विंकल खन्ना ने, मेरा बच्चा अभी 4 साल का, यही नहीं अपने पासवर्ड भी नहीं बताता, मतलब वो दिखाया वो पिक्चर. अक्षय कुमार के पहले ही घर पर एक्सपीरियंस है. आउट ऑफ 5, फुल ऑन 5, हैज ऑडियंस फुल ऑन 5. आप आइए, मूवी देखिए, इन्जॉय करिए, दैट्स इट. मुझे खेल खेल में मूवी अच्छी लगी है, और वन टाइम वॉच तो बनता है इसका, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, आप जाके देख सकते हैं. और ऑडियंस भी काफ़ी सारी थी इसको देखने के लिए, और सब फरदीन खान और अक्षय कुमार को देखने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक ऐसी मूवी आई है जिसमें मल्टी स्टार कास्ट इसमें आया है. फरदीन खान स्पेशली एंड तापसी पन्नू है उसमें, एंड आई लव हर. और मुझे लगा कि एक बार तो देखना बनता है. हाँ, बेस्ट पार्ट इसका स्टार्टिंग का ही है, वो फ़ोन एक्सचेंज होता है और उसी के बाद ये स्टोरी बिल्ड होती है. सीरियसली फ़ोन के बेस के ऊपर ही सब कुछ होता है, बट नाइस कनेक्ट उन्होंने अच्छे से किया है. और यू गाइस मस्ट वॉच. सब बहुत अच्छा है, मतलब आई एम सेइंग अगेन कि वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है. 3.5. यू मस्ट वॉच. लॉन्ग वीकेंड है, आप जाइएगा, देखिएगा मूवी, कूल है. याद अच्छा लगा पिक्चर. सबसे अच्छा है लास्ट में अक्षय कुमार शादी के बारे में जो बोलते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, क्योंकि पार्टनर को बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, तो वाइफ ऐसे शक नहीं कर सकते हैं ना, तो वो सब देखना होता है वाइफ को. तो और बाकी स्टोरी कैसी थी पूरी मूवी? अच्छा लगा था, हमारे बच्चे वाइफ सब लोग मजे कर रहे थे. ऑडियंस को कहेंगे कि आप देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ के बीच में झूठ नहीं होना चाहिए, ये दिखाया गया है पिक्चर में. 5 देंगे.